नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे हिंदी निबंध के क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न, यानी 2006 से लेकर आज तक 2019 तक की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं निबंध के क्रमानुसार लगाने वाले, उस सभी को आज हम इस कक्षा में देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अक्सर आपको ये परेशानी आती है कि क्रम अनुसार लगाने वाले जो प्रश्न हैं उनमें हम सही नहीं कर पाते, लेकिन आशा करती हूँ उस वीडियो के बाद आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे, जहाँ से कम समय में हम अधिक तैयारी कर सकते हैं, यानी स्मार्ट रूप से हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से 2-3 तरीके के प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न तो यहाँ मैंने लिखे ही हैं, इसके अलावा जब रचनाओं की तिथि पूछी जाती है तो वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। इसके अलावा सुमेलित करने वाले जो होते हैं, जहाँ एक तरफ रचनाकार दिए होते हैं दूसरी तरफ रचना, वह वाले प्रश्न भी आप इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जो MCQs में भी पूछे जाते हैं कि प्रिया नीलकंठी के रचनाकार कौन है अथवा शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है, तो वो भी आप यहाँ इसके माध्यम से याद कर लेंगे। एक तरीके से नोट्स के रूप में है, क्योंकि यही वो निबंध हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चाहे कई प्रकार के प्रश्न आपके निबंधों से संबंधित बनते हैं, और लगभग यही वो रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। सभी के सभी हजारों निबंधकारों को याद रखना तो संभव नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख निबंधकार ऐसे हैं, 4-5 नाम ऐसे आपको मैं बता दूंगी। आप स्वयं भी जब तक अंतिम प्रश्न पर पहुंचेंगे ये निश्चित कर चुके होंगे कि हाँ सारे देख लेने हैं जो प्रमुख हैं, लेकिन सब याद ना हो सकें तो 4-5 निबंधकारों के भी निबंध यदि आप याद कर लेते हैं तो पूरी संभावना है कि परीक्षा में वही आए। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये जो पूरा वीडियो है, जितने भी प्रश्न अभी पूछे गए हैं उनके माध्यम से ये स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे भी चर्चा करेंगे। पहले शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है, अतीत के चलचित्र प्रिया नीलकंठी, ठेले पर हिमालय और प्रबंध प्रतिमा, ये 4 निबंध हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लगाएंगे प्रबंध प्रतिमा, निराला जी का है, 1940 में उन्होंने लिखा था। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण निबंध है अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा का है, 1941 में उन्होंने लिखा था। फिर आएगा ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी का है, 1958 में लिखा था। फिर है प्रिया नीलकंठी, 1968 में कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार प्रकाशन वर्ष तो आपको याद रखने ही हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश प्रकाशन वर्ष याद ना भी रहें तो आपको इनके राइटर जरूर याद होने चाहिए कि ये कौन से राइटर ने कौन सा निबंध लिखा है। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है जून 2007 में पूछा गया है, चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां और रस आकेटक। सबसे पहले जो निबंध लिखा गया है वो देखिए, आप जब इनके नामों को देखेंगे, जैसे कि अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चितवन की छां, विद्या निवास मिश्र, रस आकेटक कुबेरनाथ राय और चिंतामणि भागेक रामचंद्र शुक्ल, तो सबसे जो इसमें जब जन्म काल के अनुसार भी देखें तो शुक्ल जी सबसे वयोवृद्ध से मतलब सबसे बड़े हैं इनमें। तो सबसे पहले चिंतामणि 1939 में लिखा था इसका, और चिंतामणि के प्रमुख निबंध प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो इनके प्रमुख निबंध हैं वह भी उस प्लेलिस्ट में मैंने डाले हुए हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि चाहे कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति, भाव में मनोविकार, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था सहित कई महत्वपूर्ण निबंध उसमें ऐसे हैं जहाँ से स्थापना और तर्क वाले प्रश्न, साथ ही साथ गद्यांश के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा, ये डाला हुआ इसलिए मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले चिंतामणि, यानी सबसे पहले आएंगे शुक्ल जी 1939, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948, अशोक के फूल 1948, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। चितवन की छा 1953, रस आखेटक 1970। फिर 2008 में पूछा है शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियां और कल्पलता। शिव शंभू के चिट्ठे सिलेबस में है, हम पढ़ चुके हैं, 1904 और 1905 में लिखी हुई यह रचना है। रसज्ञ रंजन 1920 में लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। श्रृंखला की कड़ियां है महादेवी वर्मा का 1942 में लिखा हुआ निबंध है। और फिर एक कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1950 में लिखा हुआ निबंध। रसज्ञ रंजन भी बार बार पूछा जाता है, विशेषतः इस क्रमबद्ध वाले में, लेकिन ये MCQs वाले में अब प्रश्न ये पूछा जाता है रसज्ञ रंजन। और इसी तरीके से कई सारे ग्रंथ हैं जो रस से संबंधित ही कई निबंध हैं जो एक ही
एक ही प्रश्न में पूछे जाते हैं और ऑप्शंस कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें कौन सा किस वाले का है। तो रसज्ञ रंजन किसको कहा गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, ये क्रमबद्ध रूप से लिखा हुआ है। जून 2008 में पूछा है और दिसंबर 2008 में ये पुनः रिपीट हुआ है। शिवशंभू के चिट्ठे 1904-5 इसमें हम पढ़ चुके हैं, जो बाल मुकुंद गुप्त जी के हैं ये, और लॉर्ड कर्जन के ऊपर इन्होंने जो व्यंग किए हैं उससे संबंधित है। दूसरा देख लेते हैं, काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद का है, 1939 में इन्होंने लिखा है। कुटज 1964 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कहाँ है द्वारका? 1982 में लिखा है अज्ञ ने। कुटज भी चैनल पे उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं पूरा निबंध, और बहुत ही प्रेरणादायी निबंध ये मुझे लगा, बहुत ही अच्छा लगा। यानी एक छोटे से फूल को लेके जिस प्रकार से कुटज एक फूल होता है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा विषय वस्तु में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज के माध्यम से एक जितेंद्रिय मनुष्य के गुणों को हमें बताया है। कुटज से क्या प्रेरणा ले सकते हैं जिंदगी में, कैसे उस छोटे से पहाड़ी फूल से हम प्रेरणा ले सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आते हैं 2009 पर, चार प्रश्न पूछे हैं। परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा 1981, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध मुक्तिबोध, आत्मपरक अज्ञ का है 1983, और चाबुक है निराला का 1951 में। परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा 1981, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध मुक्तिबोध 1964, आत्मपरक 1983, अज्ञ और चाबुक 1951, निराला। उसके बाद 2009 में वापस से रिपीट हो रहा है, यह अब याद हो जाना चाहिए, 4-5। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5 में बाल मुकुंद गुप्त, आत्माराम की टेंटें 1904-5 में ही लिखा है गोविंद नारायण मिश्र ने। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको जान लेने चाहिए। दोनों ही रचनाएं 1904-5 में हुई हैं। आत्माराम की टेंटें में आत्माराम का प्रतीक कौन है, प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता देती हूँ। देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे लिखा बाल मुकुंद गुप्त ने, और आत्माराम की टेंटें लिखा है गोविंद नारायण मिश्र ने। शिव शंभू जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि जिनके युग, जिनके नाम से हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग चला है, उन्होंने अपने किसी लेख में एक अलग शब्द लिखा। ठीक है, उस शब्द को लेके शिव बाल मुकुंद गुप्त जी ने उनके विषय में एक पत्र प्रकाशित किया कि इस तरीके का शब्द, क्योंकि वही वो हिंदी के शुद्धिकरण करने वालों में से थे व्याकरण की दृष्टि से लिखा, तो उसको लेके थोड़ा सा विवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चर्चा जरूर होती है जब किसी इतने बड़े व्यक्ति के बारे में आप लिख रहे हों। तो उसी के प्रत्युत्तर में गोविंद नारायण मिश्र जी ने एक निबंध लिखा आत्माराम की टेंटें, और तो उसमें यानी इन्होंने किसका पक्ष लिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पक्ष में ये निबंध लिखा। तो वो जो आत्माराम है वो शिव ये बाल मुकुंद गुप्त ही आत्माराम है। यानी कि पूछा गया था कि आत्माराम किसका प्रतीक है, तो ये बाल मुकुंद गुप्त को इन्होंने आत्माराम कहकर ये निबंध लिख दिया आत्माराम की टेंटें। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न है, अच्छी हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने, यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में कहा है, बाल मुकुंद गुप्त के विषय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला की कड़ियां हैं महादेवी जी का 1942 में इन्होंने लिखा है। विषाद योग 1973 में लिखा है कुबेरनाथ राय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त इनका जो है क्रमानुसार लगाना है जन्म के हिसाब से, इनका जो जन्म क्रम है उसके हिसाब से। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907, सरदार पूरण सिंह 1881 से 1939, श्याम सुंदर दास 1875 से 1945, और बाबू गुलाब राय 1888 से 1963। ठीक है, इनमें से सरदार पूरण सिंह का निबंध भी हम पढ़ चुके हैं चैनल पे। आगे 2012 में फिर निबंधकारों को ही पूछ लिया है दोबारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938, शुक्ल जी 1884 से 1941, लगभग वही टाइम है ये, इनके बाद में आए महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में दुनिया में आए। इनके बाद आए हजारी जी 1907 से 1972, और अंत में विद्यानिवास मिश्र 1928 से 2005 तक ये वर्तमान रहे हैं। दोबारा देख, अब दिसंबर 2012 में ही पूछा, श्रृंखला की कड़ियां याद हो गया होगा। महादेवी वर्मा 1942, कितनी कड़ियां हैं?
श्रृंखला की कड़ियाँ कितनी है, 42 कड़ियाँ हैं जो श्रृंखला के रूप में महादेवी जी ने लगा रखी हैं। तो 42, अशोक के फूल 48, फूल कितने हैं 48 हैं, 42 48 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। अर्धन आयेश्वर दिनकर का निबंध है, 1952 में लिखा है। आत्मनेपद, इस तरीके के नाम ही थोड़े जो अलग से हैं, ये अज्ञ के हैं, 1960 में इन्होंने लिखा है। अर्धनारीश्वर उपन्यास भी हमने पढ़ा था, विष्णु प्रभाकर का था वो, लेकिन जब निबंध की बात होगी तो वो दिनकर की रचना होगी। देखिए, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, ये सभी लगभग लगभग बार बार रिपीट होने वाले हैं, याद होने चाहिए आपको। आगे में देखते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद 1890 में, जन्म के हिसाब से लगाना है। रामवृक्ष बेनीपुरी 1896, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 और भगवती शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय 1908। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को लगाना है। अशोक के फूल 1948, जैसे मैंने कह दिया प्रमुख निबंध, और बहुत सी कक्षाओं के एमए में, बहुत से राज्यों के एमए में भी लगा रहता है, और बीए के सिलेबस में भी ये लगा रहता है। विचार और वितर्क 1954, इसके बाद कुटज 1964, आलोक पर्व 1972, लेकिन दो और ऐसे निबंध हैं जो पूछे जाते हैं। विचार प्रवाह 1959 मैंने लिख दिया है अपनी तरफ से, और साहित्य सहचर 1972, यानी मैंने लिख दिया है कि आपको ये क्रम से रूप से याद होने चाहिए, विचार, वितर्क और कुटज के बीच में एक निबंध, यह भी आपको याद होना चाहिए। और बेहतर आलोक पर्व और साहित्य सहचर दोनों ही 1972 में लिखे गए हैं। विचार और वितर्क से संबंधित इसी तरीके के जो ऑप्शन एमसीक्यूज वाले प्रश्न में पूछा गया था, विचार वितर्क इनका है, और इसी तरीके का एक निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी है, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अशोक के फूल 1948, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रभा 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972। ठीक है, अब है निर्मल वर्मा के निबंध, यहाँ पूछ लिए। देखिए, थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी छोटी बेटी की, क्योंकि सुबह के टाइम में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पिछले दो दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज सबसे पहले उठ के ये काम करना है कि आप लोगों के लिए वीडियो डाल देनी है, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, तो वो दिन में आवाज़ आती रहती है वीडियो पे खटखट की, या जो भी वो लोग मशीन वगैरह से काम चलते, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि परीक्षा नज़दीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको पीछे आवाज़ आए, लेकिन सोच लीजिएगा एक म्यूज़िक बजता रहता है ना वीडियो में, वैसा ही कुछ मान के वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के आप याद कर लीजिएगा। कम से कम इन निबंधों में से आपको कोई भी प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी रजिस्टर पे लिख के मैं आपके लिए सामग्री उपलब्ध करवा रही हूँ, चाहे वो उपन्यास वाला वीडियो हम कर चुके हैं, नाटक हम कर चुके हैं, ये निबंध हमारा तीसरा वीडियो, इनमें से प्लीज़ कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। इनमें से गलत करके आओगे तो थोड़ा मुझे दुख होगा, ठीक है, इतनी मेहनत के बाद भी। अब आइए देखते हैं, निर्मल वर्मा, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, आदि अंत आरंभ 2001। सबसे पहला इनका निबंध है चीड़ों पर चांदनी, जो बहुतायत पूछा जाता है, 1964 में इन्होंने लिखा था, ये इनका निबंध संग्रह 1964 में लिखा था। उसके बाद ये सारे इस तरीके से आपको क्रम से लगाने हैं। एक विद्या निवास मिश्र जी के निबंध भी बहुत पूछे जाते हैं, तुम चंदन हम पानी, 1957 में। देखिए, इनका सबसे पहला निबंध संग्रह है 1953 में इन्होंने लिखा था, चितवन की छांव, जो पीछे पूछा गया था 1953। तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सिल पहुंचाई 1966, तमाल के झरोखे से 1981, शीर्ष की याद आई 1995। तो ये सभी पूछे जाने वाले निबंध हैं। एक सिल पहुंचाई, ये थोड़ा कम पूछा जाता है, बाकी के चार तो बहुत ज़्यादा पूछे गए। अज्ञे के निबंध पूछे गए हैं, अज्ञे को देख लेते हैं। त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, पूर्व में भी हमने पढ़ा है, अंतरा 1975, धार और किनारे 1982, अंतरा और धार और किनारे के बीच में है अद्यतन 1977 में। कुबेरनाथ राय के निबंध बार बार पूछे जाते हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 में, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो एमसीक्यूज में पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो एक नोट्स की तरह आपके लिए होना चाहिए। रस आखेटक 1970, विषाद योग 1973, महाकवि की तर्जनी 1979 और दृष्टि अभिसार 1984, इनके निबंध भी बार बार पूछे जाते हैं। निराला जी के देख लेते हैं, सबसे पहला है प्रबंध पद्म, इसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं पता चला, तो ये इसी तरीके से क्रम से लगा हुआ था, लगा दिया। प्रबंध प्रतिमा, छोटी बहन को चुप कराते हैं। प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1951 और चयन, यानी कि प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और चयन, इस तरीके से क्रम से लगाना है। अज्ञे के वापस से पूछ लिए, आत्मनेपद 1960, अद्यतन 1977, कहाँ है द्वारिका 1982 और लिखी कागज कोरे 1972। ठीक है,
ठीक है, यानी कि सबसे पहले लगाएंगे आत्मनिर्भर 1960, दूसरे नंबर पे लिखाएंगे लिखी कागज कोरे 1972, तीसरे पे लगाएंगे अद्यतन 1977 और चौथे पे लगाएंगे कहाँ है द्वारिका 1982। शिव प्रसाद सितारे हिंद के भी पूछ लिए हैं। इतिहास तिमिर नाशक 1873, शिव प्रसाद सितारे हिंद के सारे नहीं है बल्कि इतिहास तिमिर नाशक 1873, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव शंभु के चिट्ठे, ये अभी हम पढ़ के आए कि ये 4-5 है, तो 1904-1905 साहित्य देवता, 1943 माखनलाल चतुर्वेदी और सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय 1960। आगे विद्यानिवास मिश्र के वापस से पूछ लिए, कदम की फूली डाली 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, तमाल के झरोके से 1981 और सैफाली झर रही है 1981। ठीक है, तमाल के झरोके से और सैफाली झर रही है, ये दोनों ही निबंध इन्होंने 1981 में लिखे हैं। शरद जोशी के व्यंग्यात्मक रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, निबंध के रूप में लिखी है लेकिन मूलतः ये व्यंग्य रचनाएं, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 में, और इसी में एक और रचना लिखी थी इन्होंने जो बार बार पूछी जाती है MCQs में, जीप पर सवार इल्लियां, यह भी 1971 में लिखी हुई है। रहा किनारे बैठ 1973 में, तिलिस्म 1975 में और यत्र तत्र सर्वत्र 2000 में लिखी हुई इनकी प्रमुख रचना है। निर्मल वर्मा के निबंध वापस से पूछ लिए हैं, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, आदि अंत और आरंभ 2001। फिर है जो पूछा है अगला प्रश्न, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 में शरद जोशी जी ने लिखा है, यहाँ पर भी पूछा था शरद जोशी के निबंधों में। अद्यतन अज्ञे ने लिखा है 1977, प्रगति और परंपरा 1949 में रामविलास ने लिखा है, ये प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचक हैं। अंगद की नियति या विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है 1984 में। देखिए अभी तक भी अगर आप वीडियो को वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 48 में लिखा है और कल्पलता भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है 51 में, कुटस लिखा है 64 में और आलोक पर्व लिखा है 72 में। बाल मुकुंद गुप्त का जो जन्म काल है वो 1865 से 1907, श्याम सुंदर दास का 75 से 38, सरदार पूरण सिंह का 81 से 31, गुलाब राय का 88 से 63। अद्यतन अज्ञे का निबंध है 1977, अंगद का पांव लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने 1958 में, मराल लिखा है कुबेरनाथ राय ने 1993 में और विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी का बहुत ही प्यारा सा निबंध है 1980 में इन्होंने लिखा है। गंधमादन लिखा है कुबेरनाथ राय ने 1972 में, कामधेनु लिखा है 1980 में, मराल भी कुबेरनाथ राय का ही है, यहाँ पे स्पष्ट है, यहाँ भी पूछा 1993 में और आगम की नाव 2002 में। इसके बाद है जुलाई 2018 में जो पूछे गए थे वो श्रृंखला की कड़ियाँ, देख लीजिए कहाँ से रिपीट हुआ, बहुत शुरू में हमने इसको पढ़ा था, 3-4 बार पढ़ चुके, याद हो गया। कितनी कड़ियाँ लगाई हैं, 42। अशोक के फूल हैं 48, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है 1961, कला का जोखिम यह है निर्मल वर्मा का 1981 में लिखा हुआ निबंध, बार बार पूछे जाने वाले निबंध हैं। विद्यानिवास मिश्र को भी पूछ लिया 2018 में और ये सारे के सारे हम पढ़े आए, तमाल के झरोखे से 81, शैफाली झर रही है 1918, देखिए ये दो जगह अलग अलग दिए हुए हैं, यहाँ पर शैफाली झर रही है ये लिख दिया है इन्होंने 1989 और यहाँ पर इसको एक ही में बनाया, तो ये अलग अलग ही हैं क्योंकि क्रमबद्ध वाले, तो इसको आप 89 ही करिएगा। ठीक है, शैफाली झर रही है 1989, शीर्ष की याद आई 1995 और रथ यात्रा 2002 में। दोबारा से देखिए ये कम से कम कितनी बार रिपीट हुआ है, एज इट इज इसको पूछ लिया। श्रृंखला की कड़ियाँ ये दिसंबर 2019 का जो ऑनलाइन वाला एग्जाम है ये उसमें पूछा है, जून वाले में निबंध से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, यानी सबसे लेटेस्ट ये है। श्रृंखला की कड़ियाँ कितनी हैं, 42। अशोक के फूल हैं 48, अर्धनारीश्वर दिनकर का है 52 निबंध है इसके अंतर्गत और शीर्ष की याद आई 1995 में लिखा हुआ निबंध है। इसी के साथ निबंधों वाले आपके जो प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो जाते हैं, आपको याद होने ही चाहिए इससे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कई प्रकार के प्रश्न आप लगा लेंगे, आपके पास कोई भी, जैसे आप इसको या तो क्रमबद्ध रूप से एक पेज पे छोटा सा लिख लीजिए क्योंकि जो बार बार रिपीट हुए हैं वो आपको एक ही बार लिखने हैं। जहाँ तक निबंधकारों की बात करूँ मैं, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, अज्ञे, ठीक है, और इसके अलावा जो है शरद जोशी जी हैं, निर्मल वर्मा हैं,
लगभग लगभग इनके सभी निबंध आप और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 5-6 लोग हैं। निराला के देखिए इतने नहीं पूछे जाते, फिर भी आप याद कर लें, अच्छी बात है, लेकिन इतने नहीं पूछे जाते। 5-6 लोगों के निबंध आपको अवश्य ही याद होने चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, कुछ आवाज़ें आपको आ सकती हैं पीछे से, उसको उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, परीक्षा का समय है और मेरे पास भी पूरे दिन में फिर वीडियो शूट करने के लिए समय नहीं है, इसीलिए मैंने ये सुबह सुबह बना दिया है आप लोगों के लिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वो क्लास होगी आपकी आलोचना संबंधी, जितने प्रश्न पूछे गए उनके संकलन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।